वीडियो में बिगिनर नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटों में कोरोना से 114 मौतें हुई हैं। मरने वाले 77 मरीज मुंबई से थे। महाराष्ट्र में कुल कोरोना से मौत का आंकड़ा 5,651 हो गया है। 24 घंटे में 3,307 नए कोरोना केस भी सामने आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक महाराष्ट्र में कुल मामले हो चुके 1,16,752, देश में सबसे ज्यादा। वहीं यह आंकड़ा भी सुकून देता है कि महाराष्ट्र में कोरोना से 59,166 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। मुंबई में 24 घंटे में या महाराष्ट्र में 24 घंटे में 114 मरीजों की मौत हुई। बड़ा उछाल इसलिए आया कि कल 1,300 से ऊपर मौत के नए आंकड़े जोड़े गए। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर बोलते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि चीन ने पहले नेहरू और अब मोदी को धोखा दिया है, अब ऑल पार्टी मीटिंग से कुछ नहीं होगा, अब एक्शन की जरूरत है। बिना गोली चलाए लोग मारे गए हैं हमारे। मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने देश के सामने आकर सच क्या है, क्या हुआ है, उस बारे में बताना जरूरी है। एक साथ 20 जवानों का मारा जाना चीन के बॉर्डर पर, ये 50 साल में पहली बार हुआ है। चीन के साथ जो हमारे रिश्ते हैं अच्छे नहीं हैं, फिर भी चीन के सीमा पर 50 साल में गोली नहीं चली। अब हम उसके लिए जो हुआ है पंडित नेहरू को जिम्मेदार नहीं मान सकते, इंदिरा जी को जिम्मेदार नहीं मान सकते, राहुल गांधी को दोष नहीं दे सकते। ये जिम्मेदारी हमारी सबकी, दिल्ली में नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जैसे महावीर और बाहुबली नेता बैठे हैं। देश की जनता सदमे में है। मैं मानता हूं देश उनके साथ है, पूरा देश सरकार के साथ, लेकिन आप कुछ तो करो, बात करो जनता से, बताइए क्या हुआ है। आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन देश को आपको बताना पड़ेगा कि असल में क्या हुआ है, कहाँ चूक हो गई है। आपके साथ चाइना के प्रधानमंत्री के रिश्ते बहुत ही मधुर थे, हमने देखा है। जब आप प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे विदेश में घूमकर सभी राष्ट्रपति को अहमदाबाद लाकर धुरे पर बिठाते थे, तो हमें लगा चाइना के साथ हमारे रिश्ते सुधर गए। लेकिन चाइना पर कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए। यही चाइना है जिसने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को धोखा दिया था, और यही चाइना है नरेंद्र मोदी जी को भी धोखा दिया। मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए एक और नया मेकशिफ्ट अस्पताल तैयार हो गया है। इसकी क्षमता 1,000 मरीजों की है। खास बात यह है कि यहाँ नाजुक हालत वाले मरीजों का इलाज भी हो सकेगा। मुंबई के बीकेसी में एक और 1,000 बेड वाला अस्पताल कोरोना मरीजों के लिए बनकर तैयार हो गया है। इससे मुंबई को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब यहाँ पर क्रिटिकल कोविड-19 पेशेंट्स को भी लाया जा सकेगा। अब 1,000 से ऊपर इस फेज में भी कैपेसिटी है, लेकिन अंतर यह है कि करीब 108 आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट की बेड फैसिलिटी भी यहां पर मौजूद होगी। साथ ही साथ इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये डायलिसिस यूनिट है। 12 ऐसी फैसिलिटीज फेज 2 के अंदर बनाई गई हैं। 400 से ज्यादा ऐसे बेड्स होंगे जहां पर ऑक्सीजन फैसिलिटी भी प्रदान करी जाएगी। फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिला के करीब 2,000 के ऊपर बेड की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल रहेगी। MMRDA ने ये अस्पताल बनाकर BMC को सौंपा है। Our whole team has worked day and night and it was initially unthinkable because we never constructed a hospital. तो हमें कहा गया कि आप ICU की फैसिलिटी, डायलिसिस की फैसिलिटी और एक कंबाइंड इंटीग्रेटेड फैसिलिटी की करीब 2,000 बेड का जो बना है ये हमारे समझ से सचमुच लोगों को, काफी मुंबई के लोगों को राहत देगा। MMRDA को विश्वास है कि मॉनसून की वजह से यहाँ मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी।
सरकार के मुताबिक अगले 8 दिन में मुंबई में 650 एम्बुलेंस भी उपलब्ध होंगी और आईसीयू बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। हम रेमडेसिविर और टोसिलोजुमाब, ये दो ड्रग्स हैं, ये दो ड्रग्स की इजीली अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और कम दामों में होनी चाहिए। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये अवेलेबल करके देना चाहिए। 200-250 वेंटिलेटर्स मुंबई में चाहिए और 200-250 वेंटिलेटर्स अदर देन मुंबई के जो मेडिकल कॉलेजेस है 18 डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर आईसीयू की ट्रीटमेंट, आईसीयू के हमारे खास तौर पर पेशेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, वहाँ पर भी चाहिए। तो कुल मिला के 500 वेंटिलेटर्स चाहिए। डीएमसी ने यह फैसला किया है कि अब कोविड 19 की पॉजिटिव रिपोर्ट सीधे मरीजों को नहीं दी जाएगी। जो वॉक इन आते हैं डायरेक्टली पेशेंट और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको बेड दिया जाता है। हम 80% उनसे बेड ले रहे हैं, लेकिन वे अगर 80% बेड सभी असिम्प्टोमेटिक को दिए जाएंगे तो हमारे जो सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या खास तौर पर जो आईसीयू पेशेंट्स हैं, वो उन्हें कैसे मिलेंगे? अगर एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट आईसीयू के बेड में जाके अगर रह रहा है तो दैट विल नॉट बी अलाउड। तो ये डायरेक्ट अगर उनके हाथ में रिपोर्ट मिलता है तो वो जाके वॉक इन कोई भी बड़े हॉस्पिटल में जाके वो अपना गवर्नमेंट का जो 80% का कोटा है उसमें जाके एडमिट हो जाता है। बीजेपी रिपोर्ट ना देने के बीएमसी के इस फैसले को गलत बता रही है। मुंबई से कमलेश सुतार और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना हमारे जीने के तरीके को बदल रहा है, ये बदलाव हर जगह नजर आ रहा है। पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के टिकट करने से लेकर उनका टेम्परेचर लेने का काम रोबोट कर रहा है। ये है कैप्टन अर्जुन। एक बार की चार्जिंग में ये 4 घंटे तक पुणे रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। पुणे रेलवे स्टेशन पर एक चलता फिरता रोबोट आया है। किसने लाया है, क्या खासियत है, इस विषय में बात करेंगे आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अधिकारी महेश जी से। महेश जी बताइए। नमस्कार सभी को। सबसे पहले इस रोबोट की जरूरत क्यों पड़ी? तो पुणे मंडल में पुणे रेलवे स्टेशन एक बहुत ही अहम रेलवे स्टेशन है, जहां से हजारों लाखों मजदूर अभी क्वारंटाइन लॉकडाउन के पीरियड में अपने अपने गांव गए हैं। पर्सनली मैन्युअली सबका थर्मल गन से सबका टेम्परेचर चेक करने की जरूरत पड़ रही थी। तो इस बीच में आरपीएफ के जवान भी सुरक्षित रह सके और सामने वाले पैसेंजर को भी उसका संक्रमण ना हो, इसलिए ये रोबोट जैसी एक कुछ चीज बनाने की हमारे पुणे मध्य रेलवे के पुणे मंडल के मंडल सुरक्षा आयुक्त तथा अन्य अधिकारियों को एक कल्पना आई। तो उसी कल्पना से ये कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट टाइप एक मशीन बनाई गई है। यहाँ पे एक थर्मल स्क्रीनिंग मशीन लगाई है। यहाँ पे 3 सेंटीमीटर की दूरी से ये आपको अपना टेम्परेचर बता सकता है। तो इसमें एक बार बैटरी का यूज़ किया है कि चार्जिंग बैटरी का यूज़ किया गया है। एक बार चार्ज करने से ये कम से कम 4 या 5 घंटा तक कंटिन्यूसली काम करता रहता है। साथ ही साथ इसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया है, तो सीसीटीवी के जरिए जो भी पैसेंजर अंदर आ रहे स्टेशन पे तो उसकी इमेज यहाँ पे सेव होती रहती है। यही नहीं, कैप्टन अर्जुन प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज भी कर लेते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी ये गुजरेगा वहाँ का फर्श का जो ये है फ्लोर है वो सैनिटाइज कर देगा। जो भी पैसेंजर आ रहे हैं अंदर स्टेशन पे वो अपना अपना थर्मल टेम्परेचर चेक करने के बाद यहाँ पे लगाए गए ऑटोमेटिक सेंसिंग सैनिटाइजर मशीन से अपना हाथ वो सैनिटाइज करके अंदर जा सकता है। पुणे से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।